लोग आएंगे। मोदी जी कितना आपको भा रहे हैं, दिल में कितने पसंद है, विस्तार से बताइए। बहुत ज्यादा, बहुत जी। मतलब कितने, मतलब 100, 150, 250, 786, कितने? हमारा तो भगवान है मोदी, हम दिल से कह रहे हैं। ऐसा कर दो ना फिर, हमारा तो भगवान है मोदी, इसराइल पैलेस्टीन का समाधान। Assalamualaikum everyone, this is Yazdan। आज हम रिएक्शन देने वाले हैं अंधभक्तों के ऊपर। दिल्ली में रैली हुई थी और बीजेपी के समर्थक आए थे ऑफ कोर्स, और जो समर्थक हैं उनसे क्या बातचीत हुई है वो पता चलेगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, स्टार्ट टू एंड तक पूरा देखिएगा। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अरे अरे, मैं इनके रील्स भी देखे थे एक्चुअली। ₹2014 में हर कोई मोदी जी को चाहता था, इवन मैं भी मोदी जी के समर्थन में था 2014 में। प्रधानमंत्री जी के लिए अगर दो तीन लाइनें आप बोल देंगे, आपके लिए कितने महत्व है वो? मोदी एक शेर है, बब्बर या फिर छोटा वाला? शेर है, बब्बर। बब्बर या छोटा वाला? एक बार दहाड़ो, सबसे बड़े लीडर कौन है इस वक्त दुनिया के? अभी मोदी जी फिलहाल में है। ऑलराइट, यूक्रेन और रशिया का युद्ध कौन रुकवाएगा? मोदी जी रुकवाएंगे। मोदी जी कितना आपको भा रहे हैं, दिल में कितने पसंद है, विस्तार से बताइए। बहुत ज्यादा, बहुत जी। मतलब कितने, मतलब 100, 150, 250, 786, कितने? हमारा तो भगवान है मोदी, हम दिल से कह रहे हैं। ऐसा कर दो ना फिर, हमारा तो भगवान है मोदी, इसराइल पैलेस्टीन का समाधान कौन लाएगा? मोदी जी लाएंगे। क्या कर सकते हो मोदी जी के लिए? मोदी जी के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पक्की बात? पक्की। अभी फोन करके बोलेगी जान दे दो, दे दोगे? हेलो, कैसे? इलेक्टोरल बॉन्ड में बड़ा घपला हो गया, सुन रहे सही किया है, सनातन धर्म के लिए बहुत जरूरी है। इलेक्टोरल बॉन्ड तो आज का पूरे 50 सालों में सबसे अच्छा काम है, सबसे अच्छा काम है। यहाँ छुपाता नहीं रहा, बोरी भरे सोनिया के घर में। सोनिया के घर में और क्या था, कहाँ जाता था? इटली खरीद लिया सारा, इटली खरीद लिया। मोदी जी आपके शरीर के किस भाग में बसते हैं? सिर भाग में, यहाँ बसते हैं मोदी जी, राइट वाले दिल में। राइट वाले। इतना क्यों पसंद आ गए, लीडर ही तो है मोदी जी। जैसा देश में कोई प्रधानमंत्री बनेगा ही नहीं आज तक, इतना बना है, इतना तानाशाह कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, तानाशाह मान लिया उसने। इटली खरीद रही है सोनिया गांधी ने, इटली खरीद लिया। थोड़ा इधर आइए, ट्रैफिक आएगा। जी मैम, योर सूट इज लुकिंग लवली मैम, सूट। अगर मोदी है तो मुमकिन है, नहीं तो सब क्या अभी तो बोलो। यूट्यूबर संदीश भाटिया जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, मस्जिद 40 के हो गए आप, यू लुक वेरी यंग। देखा, थैंक यू। ऐसे ही है अंधभक्त। मैं नहीं ले सकता सर, आई एम मीडिया सर, आई एम मीडिया, आई एम मीडिया, आई एम मीडिया, आई एम मीडिया, आई एम मीडिया। डालो डालो डालो, हमारे देश की मीडिया भी हमारे साथ। फंदा है ये, फंदा है ये, बोले और कितने साल दे हम। हम है 5 हम तो ये कह रहे हैं भगवान मोदी को 100 साल और जिया है और देश मोदी को ही रहे। डिक्टेटरशिप नहीं आनी जानी चाहिए। आप फ्रेंकली बताओ कि 10 साल के लिए मोदी जी सेट? 10 साल के लिए? हाँ। अरे नहीं, कम बताया आपने तो, ये बहुत कम बता दिया आपने। डोनाल्ड ट्रंप को कौन जितवाएगा? मोदी जी जितवाएंगे। रशिया में डेमोक्रेसी कौन लाएगा? मोदी जी लाएंगे। है कि नहीं सर? यस। है कि नहीं? ये हम कही आपने, बिल्कुल राइट बात कही है। विपक्ष हारेगा? हाँ, विपक्ष विपक्ष रहेगा ही नहीं। ये को जेल में डाल रहे हैं बीजेपी, तो उसपे आप लोग वो है ही जेल लायक, उन्होंने खबाड़े करे। वो लोग बोल रहे ना कि जो भ्रष्टाचारी जो बीजेपी में आ जाते हैं तो फिर ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं बुरा था, हाँ, और मैं सुधर रहा हूँ तो क्या बुराई है? ज्यादा बच्चे बहुत बुरे, घुस बैठी मारे जाएंगे, गाड़ी वाले करेंगे। डेमोक्रेसी क्या है, कैसे लोग है ना ये, चली गई डेमोक्रेसी ऐसी ही चली जाएगी पगड़ी बांध के, केसरिया पगड़ी बांध के लोकतंत्र भग जाएगा भग जाएगा उसको
तो नहीं मानेंगे नहीं, नहीं। मान भी जाए तो बता दीजिए, मारिएगा मत। अगर आपका बच्चा बोले कि यार मैं मोदी को सपोर्ट नहीं करता, यार मुझे मोदी जी को वोट नहीं करना है, मुझे बच्चा अगर बोले ही नहीं सकता ऐसा मेरा परिवार, मेरा बेटा ऐसे कैसे बोल सकता है? गलती से अगर बोल दिया मेरा बेटा ही नहीं होगा, बेटा ही नहीं होगा, देश बचेगा, देगा कैसा ब्रेन वॉश है इनका। अमित शाह जिंदाबाद, स्मृति ईरानी जिंदाबाद, आपके बच्चे अगर कांग्रेस को सपोर्ट करें तो थप्पड़ों से पिटाई करेंगे। थप्पड़ों से पिटाई करेंगे, पसीना नहीं आएगा, पसीना नहीं आएगा। सही है, मोदी जी ने क्या कर सकते हो बताओ, क्या खड़े और क्या करें मोदी जी के लिए? जो मोदी जी ने मंगलसूत्र वाली बात की है, सही बात है, मंगलसूत्र वाली और क्या है, ये सब कुछ बांट देंगे हिंदुओं का ज्यादा बच्चों वालों में, वो सही अरे मैनिफेस्टो में इनके में, मंगलसूत्र बचाओ, कांग्रेस भगाओ, मोदी लाओ, देश बचाओ, कैसे येड़े लोग हैं ये। शाहरुख खान मुर्दाबाद, आमिर खान मुर्दाबाद, अजय देवगन जिंदाबाद, अक्षय कुमार जिंदाबाद, अरे मुसलमान मुर्दाबाद, उनके उनके घर की बीवियां, उनके बच्चे सारे शाहरुख खान की वीडियो देखते होंगे पक्का। कैसे लोग मेरे लोग, मोहम्मद शमी जिंदाबाद, वो अच्छा मुसलमान भाई, हिंदू मुसलमान भाई भाई, अचानक से दुनिया बदल दिया, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट बनाया, वाल्मीकि समाज का नाम ऊंचा किया, आवाज अच्छी है आपकी, नाम ऊंचा किया, आवाज बहुत अच्छी है आपकी, आप भी लीडर बनना चाह रहे हैं मुझे ऐसा लगता है। फोन बज रहा, उठा लो, मोदी जी का ना हो काटो उसको, बोलो बोलो, ऐसा है जी, मोदी जी जो काम कर रहे हैं ना, आपको उनकी कोई खामी दिखती नहीं, कोई कमी नहीं, अगर हो भी तो नहीं दिखेगी, नहीं दिखेगी। चलो अंकल थैंक यू, अच्छा लगा, ओके जी, ओके जी, ओके। अरे आपने पकड़ लिया। वही सोचे इसने फोन जेब में क्यों डाल लिया। अरे 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 बीजेपी का फॉर्म, हाथ हाथ नीचे, तो कैमरा उधर करो, हाथ ऐसे, हाँ कैमरा के सामने नहीं लाते हाथ कभी सर, क्योंकि हाथ तो किसी और का है ना, आपका तो कमल है। अरे भारतीय जुमला पार्टी नो, फिर बीजेपी नो, भारतीय जनता पार्टी नथिंग, बीजेपी फुल फॉर्म नहीं पता। अरे वाह मेरे संजय दत्त, कितना चल रहा है जी, बीजेपी 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 करो ना, बीजेपी कांग्रेस का फोन आगे लगता है। बताइए हिजाब के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी में जो घूंघटधारी औरतें आती हैं, एक मजा आ जाता है, एक आयरनी दिख जाती है। क्या रोस्ट कर रहा भाई ये रिपोर्टर भाई है अपना कि क्या है? लेकिन ट्रैफिक की व्यवस्था, स्माइल करो, किसी भी कारण से कदर नहीं करूंगा। तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, ओके फिर मोदी के राज में तबीयत खराब हो गई, ऐसा कैसे? ये मेरी वर्कशॉप है, ये मेरे सारे कारोबार है और ये मेरा छोटा सा बिजनेस है। मोदी जी ने जिस दिन से 2019 के बाद में कारोबार देने के बावजूद भी बेकार कटोरा दे दिया सबके हाथ में, सब कर दिया जी हाँ। लोग बोलते हैं कि गरीबी अभी भी है सर, गरीबी नहीं है बिल्कुल, है नहीं, हमारे खर्चे बढ़ गए हैं। क्या कभी छोड़े उन्होंने बताओ, किसी लिए क्या किसी काम धंधे की कोई कभी नहीं छोड़ रहे? 5 किलो आटे से जिंदगी पानी होती है, किसी के 4 बच्चे हैं, उनके पढ़ाने के लिए खाने के लिए पैसे नहीं है, अब वो क्या करेंगे, घर के खर्चे चलाएंगे? हमारी कांग्रेस की सरकार में जब सिलेंडर 450 का था तो आज सिलेंडर 1130 रुपए का दिया जाता है, क्या आदमी सिलेंडर भराएगा, क्या आदमी बच्चे पढ़ाएगा, क्या आदमी दूध लाएगा, क्या आदमी मसाला लाएगा? पेट्रोल में कहीं कुछ नहीं है, पेट्रोल तो हम गाड़ियां ही ज्यादा भगा रहे हैं, पेट्रोल जो पहले था वही आज है, गलती हमारी है, हमारे मकान, हमारी जमीन, हमारी है, हमारी जमीन कितने, मनमोहन सिंह को बनवाना चाहिए इनको फाइनेंस मिनिस्टर, और बजट सब सही कर देंगे वो। इलेक्शन में ड्रामा करते हैं सबके सब, हाथ जोड़े अपन वोट जीता है ना, फिर कोई दूसरे में ना शक्ल भी दिखानी ना आवे, कोई बनाते हैं आप? हाँ कलकत्ता की, तो मतलब एनर्जी है साक्षात आ रही है।
अरे 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 मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी, मोदी जी वहाँ जमीन पर पड़े हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए वो मुझे एक भद्दी चीज़ भाई साहब, मोदी जी उठाइए उठाइए सर, अगर किसी के पैरों के नीचे आ गए तो लोकतंत्र का क्या होगा? कुछ कुछ मोदी जी के बारे में बात, कुछ सरकार के बारे में कुछ नहीं करोगे? आप लोग कहाँ से आए हो? ऐसा लग रहा है कि मोदी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। मंगलसूत्र बचाना है कि नहीं? किससे बचाना है? मोदी से बचाना है मंगलसूत्र को, ये भी ठीक है। मोदी से मंगल पे केसरिया के नीचे रंग जो है वो हरा है। इनके सपने में भी मोदी जी आते हैं रात को। आपके सपने में? मैंने भी इनके सपने में मोदी जी आ रहे हैं। ऐसा क्या कर रहे सपने में? अब की बार, अब की बार, 405, फिर एक बार 405, 405, 405 कैमरा में देख के हर हर मोदी घर घर एनर्जी बढ़ाओ, हर हर एनर्जी बढ़ाओ, हर हर मोदी घर घर मोदी। अरे ये क्या बात हुई, हर हर मोदी, हर मोदी, जोर से जोर से बोलो मोदी जी वी लव यू, मोदी जी वी लव यू। कभी तो आए हवेली पे, बोलो ना, बोलो ना। अब की बार 500 पार, 500 पार, अब की बार केजरीवाल, अब की बार 400 पार। सो गाइज ये देखा आपने किस तरह से, मतलब आप देखिए जो समर्थक होते हैं उन्हें बीजेपी की फुल फॉर्म का भी पता नहीं है, वो बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे कि बीजेपी को, तो वो बोल रहा है बीजेपी को करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को नहीं करेंगे। तो क्या मतलब, देखो जो लोग आते हैं ना ये रैलियों में, ज़्यादातर लोगों को, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे जितना पता है, मुझे जितना मैंने नोटिस किया है कि उन लोगों को पता ही नहीं है कि ये जो सामने नेता बोल रहा है क्या बोल रहा है ये, और ये क्यों बोल रहा है, इसने क्या काम किया है पिछले 5 सालों में, नहीं पता है। अगले 5 सालों में क्या करेगा नहीं पता है। मैनिफेस्टो नहीं पढ़ते हैं। मोदी ने जो बोल दिया कांग्रेस के बारे में वही मान लिया। मोदी साहब ने बोला कि तुम्हारे मंगलसूत्र बिकवा देंगे कांग्रेस वाले, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा है, उन्होंने सब झूठ बोला, सब ने मान लिया। किसी ने पढ़ा नहीं मैनिफेस्टो के कांग्रेस ने क्या लिखा है, हालांकि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था, फिर भी मान लिया। तो इसको कहते हैं बेवकूफ़ी प्लस अंधभक्ति। और लोग बिल्कुल भी अपने देश के बारे में नहीं सोचते हैं कि हमारा देश आगे तरक्की कैसे करेगा, हमारे देश में आगे जाके लोग किस तरह से भाईचारे के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ किस तरह से रहेंगे, किस लीडर की वजह से रहेंगे, क्योंकि एक लीडर ही है जो सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। अब भी टाइम है, सुधर जाएं, इस चीज़ को समझें अच्छे से कि आपको किसको वोट करना चाहिए किसको नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक पॉलिटिशियन वही होता है जो कम्युनिटी के बारे में ना बोल के, रिलीजियस बातों पे ना बोल के अपने देश के लोगों को एक साथ करने में जुटा होता है, कि वहाँ पे लोगों के बीच में टेंशन्स ना हो, सब प्यार मोहब्बत से रहें और देश का माहौल एकदम सुकून से रहे, पीस रहे देश में, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, रोड्स अच्छे हों, हर जगह सफाई हो, क्लीन हो, हर गांव में खुशहाली हो, वहाँ पे एजुकेशन हो, हर गांव में हॉस्पिटल हो, उन्हें शहर भागने की ज़रूरत ना पड़े, पानी की व्यवस्था सब सही हो, सिक्योरिटी लड़कियों की, औरतों की, जो वो रात में चाहे वो 12 बजे बाहर निकलें, 1 बजे निकलें, 2 बजे निकलें या 3 बजे निकलें, डजंट मैटर, किसी की ज़रूरत ना पड़े, किसी की आँख उठा के देखने की भी ज़रूरत ना पड़े, ऐसा लॉ एंड ऑर्डर हो, तब उसको बोलते हैं प्रधानमंत्री और उसको बोलते हैं लीडर जो इस चीज़ों पे काम करे। पर हमारे मोदी जी किस पे काम करते हैं? वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने पे काम करते हैं बस। आप सोचिए जो हमारे हिंदू भाइयों को वो खुश कर रहे हैं कि हमने मुसलमानों का हमने आरक्षण छीन लिया, हम उनको आरक्षण नहीं देंगे, उनका आरक्षण इसको देंगे, अमित शाह साहब बोलते रहते हैं ना, तो आप बताइए कि क्या मुसलमानों को, क्या वो 200 रुपये लीटर पेट्रोल दे रहे हैं और आपको 50 रुपये दे रहे हैं? क्या हम मुसलमानों के लिए अलग रेट हैं खाने के और आपके लिए अलग हैं? क्या एजुकेशन में जब आप जाते हो स्कूल कॉलेजेस में तो आपके लिए अलग हमारे लिए अलग, ऐसा कुछ है क्या? कुछ आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा सुविधा? नहीं, आपका कट रहा है, थोड़ा ध्यान दें, ठीक है जी। अस्सलामुअलैकुम, मिलते हैं अगले वीडियो में, जज़ाकअल्लाह खैर, फ़ी अमानल्लाह।